दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन को हर कोई साथ में देखना चाहता है और अब ये मुमकिन होता भी नजर आ रहा है, वो भी डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म से। जी हाँ, नितेश तिवारी और रवि उदयवार हिंदू पौराणिक ग्रंथ रामायण पर एक फिल्म बना रहे हैं, जिसके लिए ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो भगवान राम के किरदार के लिए ऋतिक रोशन से बात की गई है और ऋतिक ने इस बड़े बजट की फिल्म के लिए अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और खुद प्रोड्यूसर मधु मंटेना ने इस फिल्म सीता के किरदार के लिए दीपिका पादुकोण को लिए जाने पर जोर दिया है। यानी अगर दोनों एक्ट्रेस होते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए रेडी, तो इस बार इंडियन सिनेमा में कुछ बेहद खास देखने मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी, तेलुगु और तमिल में बनाया जाएगा और फिल्म 500 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट से तैयार की जाएगी, जिसे 3D के तौर पर भी शूट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल नितेश तिवारी अपने फिल्म छिछोरे में बिजी है, जिसमें श्रद्धा और सुशांत नजर आएंगे। खैर, दीपिका और ऋतिक को सीताराम के किरदार में देखने के लिए आप कितने बेसब्र हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अपडेट के लिए देखिए हमारे चैनल को।